आज है मेरे पास जेटी का फाइबर मोडम, इसे आप एयरटेल एक्स स्ट्रीम मोडम भी कह सकते हो, एयरटेल वाले इसे यूज करते हैं। लगभग सभी मोडम में सेम ही लाइटें होती हैं, मेन पोन होता है, लॉस और लैन 1, 2, 3, 4 है इंटरनेट। तो इस मोडम की सेटिंग आज हम करेंगे। इसके बैक साइड की डिजाइन देख सकते हो आप, एक फोन का दिया हुआ, 4 लैन पोर्ट है, पावर है, और इसके ठीक पीछे हमारा फोन का पोर्ट दिया हुआ आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है फोन पोर्ट, जिसमें आपका ये पैच कॉर्ड इंसर्ट होगा, और बैक साइड में कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। जेटी कॉरपोरेशन का है ये। आप ऐसे ही मॉडम देख सकते हो, एयरटेल एक्स स्ट्रीम का आता है, बिल्कुल सेम ही मॉडम है इसका। बाय डिफॉल्ट देखो एयरटेल जीरो टच बता रहा है, मैं बता रहा था आपको ये एयरटेल एक्स स्ट्रीम वाला सेम ही मॉडम है, और बाय डिफॉल्ट इसका लॉगिन पासवर्ड होता है एडमिन। तो चलिए अब कंप्यूटर पे और करते हैं इस मॉडम की सेटिंग। तो मॉडम को कनेक्ट कर लिया है हमने कंप्यूटर से। अब देख सकते हो यहाँ पे BSNL फाइबर 393 दिखा रहा है। ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और एड्रेस बार में टाइप कीजिए 192.168.1.1, एंटर कीजिए। जेटी का ये मोडम है, आपका इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। यूजर नेम में आप एडमिन भरिए छोटे अक्षरों में, और पासवर्ड में भी एडमिन। लॉगिन पर क्लिक करो। इसके बाद हम इंटरनेट की सेटिंग करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे इंटरनेट पे, और इसके बाद वैन पे। यहाँ से आप देख सकते हो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो आप इंटरनेट की सेटिंग कर सकते हो, दूसरा वॉइस की। तो पहले इंटरनेट की सेटिंग करते हैं। वैन TR069 इंटरनेट पर क्लिक करो। MTU 1480 रहने दें। ये यूजर नेम और पासवर्ड हमने फिलअप करना है, जिसकी जिस नंबर की मैं सेटिंग कर रहा हूँ उसका यूजर नेम है PR के साथ, PR1672295133_NID @FTTH.BSNL.in, और पासवर्ड बाई डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ही होता है छोटे अक्षरों में पासवर्ड। इसके बाद एक VLAN ID होती है, उसे हम ऑन रखेंगे, और VLAN ID आपको ये पता करना पड़ेगा अपने एक्सचेंज से। इस केस में ये 244 है, और यहाँ पर ये अप्लाई कर दीजिए इसको। इतना सेटिंग करने के बाद आपका इंटरनेट चल जाएगा। उसके बाद आप हम करेंगे वॉइस की सेटिंग। इसके साथ ही है ऊपर आप देख सकते हो VOIP में बस एक ही सेटिंग चेंज करनी है हमने, स्टैटिक की जगह डिजिट CP करना है, और VLAN ID 1830 भरना है, और 802.1p को 7 करना और अप्लाई कर दीजिए। बस ये दोनों कनेक्शन हो गए हमारे इंटरनेट का। यूजर नेम और पासवर्ड सही होना चाहिए, और VLAN ID बिल्कुल सही होनी चाहिए, तो आपका इंटरनेट चलेगा। 802.1p में इसको भी 7 कर देते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे वाईफाई की सेटिंग। चूँकि ये ड्यूअल बैंड मोडम है, तो इसमें सबसे पहले होम पे जाते हैं, और यहाँ से आपको दिखेगा WLAN डिवाइसेस। ये आपका WLAN सेटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ से WAN 2.4GHz और 5GHz दोनों को ऑन किया हुआ है। और इसके नीचे जाओगे तो SSID कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और यहाँ पर हम SSID का नाम और पासवर्ड भर सकते हैं। क्योंकि ये एयरटेल एक्स स्ट्रीम का मॉडम है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट एयरटेल जीरो टच शो करेगा। यहाँ पर हम भर देते हैं BSNL फाइबर 133, ये 2.4G हम कर रहे हैं, और पासवर्ड 01672595133 रख देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। पासवर्ड आप यहाँ से देख भी सकते हो। ये 2.4GHz की सेटिंग थी, अब हम 5GHz वाले की सेटिंग करेंगे। यहाँ से आप चले जाओ 5GHz, SSID 5, चूँकि ये ऑन है, हमने दो ही ऑन किया है। इसमें भी आप भर दो BSNL फाइबर 133, और पासवर्ड सेम ही रख दो 01672595133। ये वीक बता रहा है, आप अपने हिसाब से इसे स्ट्रॉन्ग कर लेना।
अप्लाई कर दीजिए। तो इतनी सेटिंग करने के बाद आपको मोबाइल पे वाईफाई के ऑप्शन में 2.4 GHz और 5 GHz के दो SSID शो करेंगे और पासवर्ड के साथ आप कनेक्ट करके इंटरनेट चला सकते हो। SSID कॉन्फ़िगरेशन में करना ये सारी सेटिंग, ये था 5 GHz का और ये 2.4 GHz का। दोनों का SSID सेम ही रखा है, BSNL फाइबर 133। पासवर्ड भी दोनों का सेम ही है। तो ये था एयरटेल एक्सट्रीम या फिर ZTE का मॉडम कह सकते हैं, उसकी सेटिंग हमने की। अब चलते हैं वापस मॉडम पर, देखते हैं क्या क्या लाइटें में चेंज आएगी। तो मॉडम को कनेक्ट कर दिया है हमने कंप्यूटर से, सेटिंग अगर हो जाती है तो यहाँ पे BSNL फाइबर 393 दिखा रहा है। ब्राउजर ओपन कर लीजिए और एड्रेस बार में टाइप कीजिए 192.168.1.1। इसके अलावा इंटरनेट और अगर आपका चल रहा है मॉडम में आपका इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। यूजर नेम में आप एडमिन दीजिए छोटे अक्षरों में, पॉन इंसर्ट कर देते हैं और पासवर्ड में भी एडमिन। लॉग इन पर क्लिक करो, यहाँ पर ये चलेगा नहीं। इसके बाद हम इंटरनेट की सेटिंग करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे इंटरनेट पे और इसके बाद वैन पे। यहाँ से आप देख सकते हो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो आप इंटरनेट की सेटिंग कर सकते हो, दूसरा वॉइस की। तो पहले इंटरनेट की सेटिंग करते हैं, वैन TR069 इंटरनेट पर क्लिक करो। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। यूजर नेम और पासवर्ड हमने फिलअप करना है।